पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। सभा का उपाध्यक्ष कौन होगा वो पहले तय करे, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं। अ फुल ब्लोन कॉन्फ्रेंटेशन बिटवीन इंडिया ब्लॉक एंड एनडीए गवर्नमेंट ओवर द पोस्ट ऑफ स्पीकर। फॉर द फर्स्ट टाइम इलेक्शंस विल बी हेल्ड फॉर द पोस्ट ऑफ स्पीकर इन इंडिपेंडेंट इंडिया। Efforts by the BJP's top leadership to broker a consensus on the position of the speaker came to a knot when the NDA bloc decided to field 8-time MP K. Suresh for the post. Ruling Alliance nominated BJP's quota MP Om Birla for the post of the speaker. Birla was the speaker in the 17th Lok Sabha as well. Whether winning or losing, there is a convention in Lok Sabha. So speaker will be in the ruling party, opposition will be the deputy speaker. Last two Lok Sabha, they denied us because they said you are not a recognized opposition. Since independence, the Lok Sabha speaker and deputy speaker have been elected by consensus between the ruling party and the opposition. The elections for the post will be held tomorrow. The NDA, which has 293 MPs in the 543-member Lok Sabha, enjoys a clear majority, with opposition India Bloc having 234 MPs. Union Minister Piyush Goyal said there is no precedent to suggest that Deputy Speaker's post must go to the opposition. This after the Union Defence Minister Rajnath Singh reached out to the Congress-led opposition to build consensus on the speaker's post. यहाँ तक खरगे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात हुई है। पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो, और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है। तो नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि कन्वेंशन है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए। और हमने कहा है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि अगर कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा तो पूरा समर्थन स्पीकर के इलेक्शन में हम देंगे। सभा का उपाध्यक्ष कौन होगा वो पहले तय करे, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं, और मुझे लगता है कि अच्छी परंपरा ये रहती कि लोकसभा निर्विरोध एक सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनता तो लोकसभा की भी मर्यादा अच्छी रहती, सभी पक्ष का उसमें योगदान रहता, और स्पीकर वैसे भी किसी सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष का नहीं होता है, वो पूरे सदन का होता है। वैसे ही उपाध्यक्ष भी कोई पार्टी या दल का नहीं होता है, पूरे सदन का होता है, और इससे उसमें सदन की सहमति हो ऐसे शर्तों के आधार पर कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर पक्ष का ही उपाध्यक्ष हो, वो लोकसभा की कोई परंपरा में नहीं बैठते। सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.